नमस्कार, खबर जरा हटके में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ प्रीति और आज बात करते हैं कृत्रिम मगर चमत्कारी हाथ की। जी हाँ, कृत्रिम अंगों की दुनिया में एक नया और क्रांतिकारी बदलाव आने वाला है। वैज्ञानिकों ने ऐसा हाथ बना लिया है जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक ब्रेन से नियंत्रित होगा। ये कहना भी गलत नहीं होगा कि ये एक ऐसा हाथ होगा जो कि देखने का काम भी करेगा और जब उसे कृत्रिम दिमाग से संदेश मिलेगा तब वो उसी तरह से काम करेगा। वैज्ञानिकों ने एक ऐसे नकली हाथ को तैयार किया है जो खुद देख परख कर चीजों को अपने हिसाब से उठाएगा। मेडिकल जगत में आए दिन नई रिसर्च और बदलाव होते रहते हैं। इसी का नतीजा है कि अब कृत्रिम अंगों की बनावट भी कुछ अलग होने जा रही है। वैज्ञानिकों ने कृत्रिम हाथ बनाने का नया तरीका अपनाया है। ये हाथ खुद ब खुद चीजों को देख सकेगा और अपने हिसाब से चीजों को उठा सकेगा। उल्लेखनीय है कि इस हाथ में एक कैमरा लगा होगा जो किसी वस्तु की फोटो खींचकर उसे इलेक्ट्रॉनिक ब्रेन में भेज देगा। कृत्रिम अंगों के एक्सपर्ट डॉक्टर किएनोश नजरेपोर की माने तो उन्होंने कृत्रिम हाथ बनाने के लिए नए तरीके को काफी सराहा है। अभी तक डॉक्टर्स पुरानी बनावट वाले कृत्रिम अंगों का इस्तेमाल किया करते थे, लेकिन अब समय बदल चुका है। टेक्नोलॉजी के विकास के साथ ही मेडिकल जगत में भी नई नई तकनीक का उपयोग हो रहा है। ये नया कृत्रिम हाथ चीजों को अपने हाथ से उठाने में सक्षम होगा, जैसे कि पेंसिल से लेकर सेब या बोतल पकड़ने तक हर चीज को ये खुद समझकर उन्हें सही तरीके से उठाएगा। ब्रेन हाथ को मिली सेकेंड के अंदर निर्देश देगा कि वस्तु को किस तरह से उठाना है। साइंटिस्ट ने इस कैमरे में करीब 500 से ज्यादा वस्तुओं की 70 अलग अलग तरीके के एंगल से फोटो खींचकर कैमरे के मेमोरी में फिट किए हैं। ऐसे में जब हाथ किसी वस्तु के सामने आता है तो वो तुरंत ही मेमोरी से संबंधित वस्तु की फोटो रिकॉल करके उसे उठाने का तरीका समझ लेता है। फिलहाल यह हाथ चार तरीके से वस्तु को उठाएगा, जैसे कि कप, रिमोट, सेब और पेन।